A major conference for those associated with madrasas in Uttar Pradesh is set to take place. The event will include madrasa teachers from across the state and focus on issues related to madrasa education. Minority Affairs Minister Om Prakash Rajbhar is expected to attend along with Dr. Iftikhar Ahmed Javed, the former chairman of the board. The conference aims to have an in-depth discussion on the challenges faced by madrasa teachers and will result in several important decisions for madrasas in the state. Organized by the All India Teachers Association, Madrasis e Arabia, the conference will be held tomorrow at the Indira Gandhi Pratishthan in Lucknow. और उनके सामने सारे मसाइल रखे जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए मदारिस के जो मसाइल हैं वो हल होंगे, मदरसिन को राहत मिलेगी और जिस तरह का ये माहौल पैदा कर दिया गया है मदरसिन में जो गम खौफ का माहौल है उसको दूर करने के लिए और हुकूमत से मदरसों के अरबाब मुंतजमीन मदरसिन और उनकी तंजीम को एक दूसरे से जो रابطہ ख़त्म हो चुका है उस रابطے को दूर करने के लिए कॉन्फ्रेंस एक बेहतर तरीका है जिससे अरबाब मदारिस और अरबाब इख्तदार के बीच में बातचीत का एक रास्ता हमवार हो, इसीलिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इस कॉन्फ्रेंस में सारी तैयारियां हो चुकी हैं जिसमें चीफ गेस्ट जनाब ओम प्रकाश राजभर जी हैं, विशिष्ट अतिथि मेहमान एजाजी के तौर पर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद साबिक चेयरमैन उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड, माननीय चेतनारायण सिंह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, राज बहादुर सिंह चंदेल संरक्षक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ और प्रश्न एवं संदर्भ समिति के चेयरमैन विधान परिषद MLC विधान परिषद, ये सारे हमारे चीफ गेस्ट हैं और इनके सामने मसाइल रखे जाएंगे और जो मसाइल के हल पर ये लोग अपना काम करेंगे।